मेरे पिछले वीडियो बाईपास सर्जरी या फिर स्टेंट, कौन सी परिस्थिति में कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, यह देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपका यह वीडियो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी उस सर्जरी की जरूरत होने पर भी वो लोग वो सर्जरी नहीं करवा सकते, तो उनका क्या। तो मैंने कहा चलिए अब इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो आज हम बात करेंगे EECP यानी कि एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। यह तो एक बहुत बड़ा नाम हो गया, लेकिन अभी हमें समझ में तो आया नहीं कि यह करता क्या है। तो यह एक थेरापी है, इसमें हमारे लोअर लिम्ब यानी कि पैर में प्रेशर दिया जाता है जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट को लंबे समय से चेस्ट पेन या फिर ऐसा कुछ भी हो तो उससे पेशेंट को आराम मिलेगा। इस थेरापी के बारे में आगे मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो जिनको भी लंबे समय से चेस्ट पेन है जो किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट से इंप्रूव नहीं हो रहा है और जिनको हार्ट में ब्लड फ्लो रिस्टोर करना है लेकिन वो किसी भी प्रकार की इन्वेसिव प्रोसीजर के लिए एलिजिबल नहीं है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट है। अभी हम यह देखते हैं कि यह थेरापी किसमें रेकमेंड की जाती है। तो यह थेरापी जिन पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती हो या फिर जिनको लंबे समय से चेस्ट पेन हो या फिर जिनको थकान लगती हो या फिर कफ हो, इन सभी पेशेंट्स में यह थेरापी बहुत ही आराम देने का काम करती है। उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस जैसे कि हार्ट फेलियर हो या फिर किडनी फेलियर हो या फिर फेफड़ों के रोग हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो, इन सब में भी यह ट्रीटमेंट हेल्प का कार्य करती है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह ट्रीटमेंट अनस्टेबल एंजाइना उसमें काम नहीं आएगी, क्योंकि यह प्रकार का चेस्ट पेन बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला, बहुत ही सीवियर और पेशेंट को जल्द से आराम न देने वाला होता है। तो अब हम यह देखते हैं कि यह EECP थेरापी काम कैसे करती है। तो ECP थेरापी में मुख्य रूप से पैर में रही हुई ब्लड वेसल्स पर प्रेशर डाला जाता है जिसकी वजह से इस प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो हार्ट में इंप्रूव होता है जिसकी वजह से हार्ट अच्छा कार्य करने लगता है। अभी हार्ट अच्छी तरीके से काम करे इसका मतलब है कि हार्ट अच्छी तरीके से ब्लड पंप कर पाएगा जिसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स भी इंप्रूव होंगे। अभी हार्ट को ज्यादा प्रमाण में ब्लड पहुंचे इसके लिए ब्लड वेसल्स अपने आप ही एक नया पाथवे बनाएगी जिसकी वजह से हम उसे बोल सकते हैं कि वो कोलेटरल्स बनाएगी, जिसे नेचुरल बाईपास भी कह सकते हैं। यह पाथवे बनने से हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड यह दोनों अच्छे प्रमाण से मिलने लगेगा और जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से पंप कर पाएगा और उससे सिम्टम्स इंप्रूव होंगे। अभी हम यह देखते हैं कि यह EECP थेरापी के लिए कौन एलिजिबल होते हैं। तो जिनको भी लंबे समय से चेस्ट पेन हो और जो चेस्ट पेन फिजिकल एक्टिविटी के समय या फिर एक्सरसाइज करते समय आता जाता रहता हो। नंबर दो, जिनको भी मेडिकेशन से भी आराम ना मिलता हो। नंबर थ्री, जिन्होंने इन्वेसिव प्रोसीजर्स जैसे कि स्टेंटिंग या फिर एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी करवाई हो लेकिन फिर भी यह सिम्टम आता हो उनमें, या फिर नंबर चार, जो लोग सर्जरी के लिए एलिजिबल ना हो उन सब में
यह ईईसीपी थेरापी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है। अभी हम बात करते हैं कौन से लोग ईईसीपी थेरापी नहीं ले सकते। तो जो लोग प्रेग्नेंट हो, जो लोग एओर्टिक इनसफिशिएंसी हो, जो जिस लोगों में पेसमेकर रखा हो, या फिर जिनको जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो, जिनको ब्लड क्लॉट हो, जिसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो, जिन्हें एट्रियल फिब्रिलेशन हो, जिनको हार्ट वाल्व डिजीज हो, जिनको हेमरेज हो, जिनको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो, जिनको हार्टबीट इरेगुलर हो, या फिर जिन्हें टेकीकार्डिया यानी कि हार्टबीट फास्ट हो, जिनको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, यह सब लोग ईईसीपी थेरापी का यूज नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं ईईसीपी थेरापी स्टार्ट होने से पहले पेशेंट के साथ क्या किया जाता है। तो ईईसीपी थेरापी स्टार्ट होने से पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन और उनका एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को वॉशरूम जाने के लिए बोला जाता है और उसके बाद पेशेंट को यह थेरापी वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट के चेस्ट पर ईसीजी लीड्स लगाए जाते हैं और पैर तथा बटक्स पर इन्फ्लेटेबल कफ लगाए जाते हैं। अभी यह कफ के साथ एयर होसेस कनेक्ट किए जाते हैं। पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन नापने के लिए उनकी उंगलियों पर उसका सेंसर लगाया जाता है। अभी थेरापी के दौरान धीरे धीरे कफ में हवा भरी जाती है। आपको कुछ ऐसा फील होगा जिसमें आपके पैर के ऊपर धीरे धीरे कोई प्रेशर बढ़ाता जा रहा हो और कफ टाइट हो जाता हो। अभी वो कफ उतने समय तक टाइट होगा जब तक प्रेशर ट्रीटमेंट वाले प्रेशर की समकक्ष नहीं पहुंच पाएगा। अभी ईसीजी और ब्लड प्रेशर मॉनिटर को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए हार्ट बीट के अनुसार सेट किया जाता है। यानी कि जब भी कफ इन्फ्लेट होगा उस समय के दौरान हार्ट की तरफ जो ब्लड ले जा रही आर्टरी होती है उसमें प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से उस समय में हार्ट रिलैक्स होगा और उस समय के दौरान आर्टरीज वहां पर यानी कि हार्ट पर ब्लड डिलीवर करेगी। उसके तुरंत समय बाद जल्दी से कफ डिफ्लेट होगा। उस समय में हार्ट को पंप करने के लिए समय मिलेगा और डिफ्लेट होने के साथ ही हार्ट ब्लड को पंप करेगा और कफ का यह इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन चालू ही रहता है। जब आप इस सेंसेशन से यूज टू हो जाओगे तब आपको कोई भी प्रकार का डिसकंफर्ट या फिर पेन नहीं होगा और इस ट्रीटमेंट के बाद आप हर रोज अपना रूटीन काम कर पाओगे। ईईसीपी थेरापी टोटल 35 घंटों तक चलती है, लेकिन आपको हर एक दिन का सिर्फ एक घंटा ही इस ट्रीटमेंट के लिए देना होता है। आपको हफ्ते में यह ट्रीटमेंट 5 दिन करवाना होता है और यह ट्रीटमेंट 7 हफ्तों तक चलता है, यानी कि टोटल 35 घंटे आपको देने होते हैं। अभी हम यह समझते हैं कि आपको इस थेरापी से क्या लाभ होगा। तो इस थेरापी से आपको जो लंबे समय से चेस्ट पेन है उसमें आराम मिलेगा, साथ में आपकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ आपकी जो दवाई की यानी कि मेडिसिन की नीड है वो भी कम हो जाएगी और आप बिना किसी सिम्टम्स को महसूस किए एक्सरसाइज भी कर पाओगे। अभी हम यह समझते हैं कि इस थेरापी से आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस थेरापी से आपको थकान लगना, नंबनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन महसूस करना, या फिर आपको स्किन इरिटेशन होना, प्रेशर सोर होना, या फिर आपको मसल पेन होना, जैसे बहुत ही मामूली प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं और उसका रेशियो भी बहुत ही कम है। तो यह थी जानकारी
ईईसीपी थेरेपी के बारे में, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।